नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रजवानी और आप देख रहे हैं उल्लास रियल टाइम्स। अब हम आए हैं उल्लास नगर 4 भाजपा मंडल अध्यक्ष के पास और उनसे जानते हैं मतदान सूची में नया नाम दाखिल करने के बारे में और क्या अपील करते हैं नीलेश बोबरे जी। देखिए, मैं उल्लास नगर के सभी शहर वासियों को अपील करता हूँ, चुनाव आयोग की तरफ से नए मतदार सूची में नए मतदार रजिस्ट्रेशन की मुहिम चालू की गई है, तो भी सब शहरवासियों ने अपना वोट शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। देश राज्य शहर के विकास के लिए रजिस्ट्रेशन अपने वोट रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मैं नए वोटर से विनंती करता हूँ कि युवाओं से खास करके अपील करता हूँ कि अपना वोट नए मतदार सूची में डालिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने शहर का विकास करने के लिए शहर के विकास करने के लिए अपना योगदान निभाइए। जैसे हम नए वोटर के फॉर्म भरने जाते हैं, हमें बहुत सारी अड़चन निर्माण होती है, बहुत सारी तकलीफ आती है, तो नए वोट अभी 27 और 28 तारीख को तो निवडणूक आयोग के तरफ से नजदीक के उम्बा स्कूल मतलब उल्लासनगर महापालिका के स्कूल के तरफ से 27 और 28 तारीख को ये फॉर्म 6 नंबर के फॉर्म 8 नंबर के फॉर्म वहाँ पे मिल जाएंगे, आपकी नोंदनी वहाँ पे होनी अनिवार्य है। तो आप सभी ने उस नोंदनी का लाभ लीजिए और शहरवासियों को अपना योगदान दीजिए। मैं सब युवा से अपील करना चाहता हूँ कि जो 6 नंबर का फॉर्म है वो नए वोटर के लिए अवेलेबल है, नए वोटर में है, और 8 नंबर का फॉर्म है जो हम 8 नंबर का फॉर्म है जो आपको स्थानांतर करना दूसरे यादी में चले गए हैं या दूसरे विधानसभा में चले गए, अपने विधानसभा में लाना है। लास्ट टाइम आपने गलती से ये नाम दूसरे विधानसभा में चले गए तो आप 8 नंबर का फॉर्म भर के इस यादी में ये कर सकते हैं। 8 अ में दुरुस्ती करने वाले नाम है उसमें जो नाम में प्रॉब्लम है, फोटो में प्रॉब्लम है, उस नाम के अपन दुरुस्ती कर सकते हैं। मैं नए वोटर से विनती करता हूँ, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले उस बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। जैसे जन्म का दाखिला आपको लगेगा, 2 प्रूफ उसके लगेंगे, उसमें है 2 नाम, जन्म दाखिला, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट्स, पैन कार्ड, वाहन परवाना जैसे लाइसेंस, आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड पे पूरी बर्थ डेट होनी चाहिए, 12/12/1996 जो भी रहेगी ऐसी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद हमको पता जो एड्रेस प्रूफ है वो भी 2 चाहिए, उसमें से भारतीय पासपोर्ट चलेगा हमारा, लाइसेंस, पासबुक जेरोक्स, पासबुक के फ्रंट जो रहेगा उसका जेरोक्स, रेशन कार्ड, टैक्स पावती, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल या गैस का कार्ड का जेरोक्स चलेगा, उसमें कार्ड में भी जो एड्रेस होता है वो भी उसके जेरोक्स चलेंगे। मैं सभी शहरवासियों को दिल से विनती करता हूँ कि हमारे शहर में अभी नई जो फोटो नई थी उन यादियों में से बहुत सारे नाम कट हो गए। लगभग हमारे 142 विधानसभा में 7,500 से 8,000 नाम कट हो चुके हैं। तो मैं सब शहरवासियों के, हमारे उल्लासनगर कैंप नंबर 4 के सब युवाओं को और सारे उनके पेरेंट्स को विनती करता हूँ कि आपके 18 साल बच्चे के हुए रहेंगे तो उनको याद से वोटिंग बूथ पे लेके जाके वहाँ पे इस वोटिंग कार्ड का फॉर्म भरिए और इस तरह से नए यूनिक कार्ड आपको मिल रहे हैं, वो यूनिक कार्ड आपके सारे जगह यूज़ होंगे, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ होंगे, फोटो पास के लिए यूज़ होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, आपका नाम अपना नोंद कीजिए, मैं विनती करता हूँ आप सबसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये प्रतिक्रिया अभी तक चालू है अभी ये प्रतिक्रिया निवडणूक आयोग की तरफ से 30 तारीख तक चालू है। 30 तारीख तक आप 27 और 28 तारीख तक जो कैंप मैंने बताया कि चालू है नजीक के स्कूल में, तो ये 30 तारीख तक ड प्रभाग में 142 के लिए ड प्रभाग में कल्याण में आपका फॉर्म लिया जाएगा। आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप भर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया भी इजी है, वो आप भर सकते हैं। NVSP इस साइट पे आपका ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा।
अच्छा, ये मतलब हर तहसील ऑफिस में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी हिसाब से तहसीलदार ऑफिस में होगा ये? हाँ बराबर है, जिस जैसे उल्लासनगर 140 है, 142 है, 142 की ज़्यादा जानकारी मैं दे सकता हूँ। 142 का अपना डब प्रभाग कल्याण में है, उधर आपका फॉर्म लिया जाएगा, वहाँ पे आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है 8A, 8B, 8A और 8 और 6 नंबर के फॉर्म आपके वहाँ पे लिए जाएंगे। तो आपने कितने टाइम से आप यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, अपने गढ़वा के लोगों के लिए? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ शहर में, अपने हमारे मंडल में, और 2 साल में मैंने 2000 से आसपास फॉर्म भरे हैं, पर अभी 2000 आसपास फॉर्म भरने में बहुत सारी अड़चन आई, मेरे से भी फॉर्म में गलतियाँ हुई भरने के वक्त, तो बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए, पर वो फॉर्म हमने फिर से भरे है, फिलअप किए, और अभी ये टाइम हमने फिर से 500 से 600 फॉर्म निवडणूक आयोग को जमा किए ऑफलाइन और ऑनलाइन। धन्यवाद बोबड़े जी। उल्लासनगर कितने विधानसभा में बटा है, कितने क्षेत्र है हमारे उल्लासनगर के अंदर? उल्लासनगर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जैसे अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र आता है 140, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नोमी है वो तहसीलदार अंबरनाथ तहसीलदार में होता है, और 141 उल्लासनगर जो आता है वो उल्लास 5 नंबर में जो तहसीलदार है वहाँ पे नोमी होती है, और 142 ड प्रभाग कल्याणपुरों में जो ड प्रभाग है वहाँ पे मतदार नोमी होती है। धन्यवाद बोबड़े जी। इसलिए मैं सुनील अजवानी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर दाखिल कराएं, क्योंकि इस प्रजातंत्र देश में एकमात्र वोट ही एक ऐसा हथियार है जो हमारी सुरक्षा के लिए काम आता है और हमारे हक की लड़ाई में हमारी मदद करता है। और मतदान सूची में नए नाम दाखिल करने की प्रतिक्रिया 30 नवंबर तक चालू है, इसलिए अपने संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहसील ऑफिस में जाइए और अपना नाम जरूर दाखिल कराएं। वोट है तो सुरक्षा है। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।